beach, y'all. To the beach, the beach, the beach, y'all. To the beach, to the beach, to the beach, y'all. To the beach, the beach. How about drums? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त सुनील मल्होत्रा, मेरा YouTube चैनल मल्होत्रा जी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली दर्शन में रेड फोर्ट, जो कि 1639 में पूरे लाल पत्थरों से बनाया गया है। तो यार, इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहें, बहुत मज़ेदार होने वाली है। अंदर हम जितने भी कोशिश करेंगे ज़्यादा आपको अंदर की डिटेल्स बता पाएँ या अंदर आपको अच्छे से पूरा दर्शन करा पाएँ रेड फोर्ट का। तो आप रेड फोर्ट आ रहे हैं तो देख सकते हैं, और थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ गई है। अगर आप आ रहे हैं जैन मंदिर की तरफ, मेन लाल किला मेट्रो स्टेशन की तरफ से, तो आपको 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, और बड़ा ही लंबा है यार, और आपको पूरा मज़ा आने वाला। अगर आप 50 रुपये की इसकी टिकट कर रही है नॉर्मल, और अगर आप इसका म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो 80 रुपये की टिकट है। कैमरा अलाउड है, फ़ोटो कैमरा वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, बट हम पूरी कोशिश कर पाए आपके लिए परमिशन लेके तो वीडियोस दिखा पाए। तो पर आप ला सकते हैं और शूट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, पर मैं इसके लिए आपको नहीं करता। और देखिएगा, बहुत ही बढ़िया यह व्यू है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर, रेड फोर्ट। ये देखिए, हम आ गए हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो झंडा देख रहे हैं, यहाँ पे झंडा फहराते हैं। ये है यहाँ से एंट्री का VIP की। अब दोस्तों, हम लोग आ गए हैं दीवाने आम, और दीवाने आम में यार देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो भी आप देखते हैं कि यहाँ पे ना जितना भी था राजा का दरबार लगता है दीवाने आम में, वही साइडों में गार्डन जो है, गार्डन में भी लोग बैठा करते थे, और अंदर जो जो मेन मंत्री होते थे, और ऊपर दरबार दिखाएंगे आपको। दीवाने आम की ओर चलते हैं हम लोग, तो चले बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी हम निकल गए हैं दीवाने आम से, बाहर की ओर जा रहे हैं, देखते हैं अभी हम और कहाँ निकलते हैं। ये देखिए एंट्री है, और पीछे से जो इनका दरवाजा है बैक साइड भी दिखाएंगे, जहाँ से राजा ऊपर एंट्री करते थे। देखिए, ये दीवाने आम का ये पीछे का बैक एरिया है, और ये यहाँ से राजा जी बीच में चढ़ते थे, यहाँ से पीछे से ऊपर जाते थे। अगर वो फ्रंट से आते थे, वो फ्रंट गेट हमने आपको दिखाया था, बट एंट्री जो ये था ऊपर जाते थे, वो यहाँ से ऊपर जाते थे। ये इसका ये बैक एरिया, और यहाँ पीछे से पूरा महल दिखते हैं। मैं आपको महल का भी कुछ एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए, ये साइड में बने हुए हैं महल, और ये सामने फाउंटेन, और यहाँ पे भी जो इनका अपना मस्त और वो टाइम पास होता था, और यहाँ रहते थे वो अंदर। ये देखिए, ये है महल, अभी मैं आपको इस महल का भी नाम बताता हूँ। और ये पूरा ये फाउंटेन एरिया होता था यहाँ पे नेचुरल, क्योंकि ये है जमुना किनारे बना हुआ है, तो वहीं से पानी का पूरा रिसोर्स होता था इसका, और पूरा यहाँ पे नेचुरल वाटर फ्लो चलते थे, फाउंटेन चलते थे, कोई मोटर नहीं होती थी उस टाइम पे।
तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ था, बट अभी ये सब बंद कर रखा है इन्होंने, तो सब कनेक्शंस बंद हैं। और रात को शायद अभी शाम को मालूम नहीं, यहाँ पे पहले लाइटिंग शो चलते थे, अभी पता नहीं चालू हुए हैं या नहीं। दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पहले सबसे पहले मेरे राइट में अंदर एंट्री करके, जैसे हम दीवाने आम से निकले तो मुमताज़ महल, फिर असद बुर्ज है, फिर उसके बाद तो आपको जरूरत पड़ जाए तो जा सकते हैं, फिर मेरे लेफ्ट में दीवाने खास, फिर खास महल और फिर रंग महल। तो हम रंग महल पहला पड़ेगा, पहले हम चलेंगे मुमताज़ महल, फिर आएगा रंग महल, खास महल और दीवाने खास, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे मोती मस्जिद जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते थे। देखिए ये पूरा अंदर भी पूरा महल है, अंदर ये दो है ना, तो ये पूरा यहाँ पे बैठा करके ये पूरा मुमताज़ का महल बनाया हुआ है, तो मुमताज़ इधर ही स्टे करती थी, तो उसके बाद जब भी उनका वो हुआ तो फिर वो आगरा में जाके सब किया गया। ये देखिए ताजमहल, सामने ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए, तो यहाँ पे वो बैठते थे। पीछे पूरा रोड है जो आउटर रिंग रोड है हमारा, और यमुना का जो एरिया था पीछे की तरफ है, उस टाइम में यमुना पूरा क्लियर दिखती थी, अभी तो यमुना यहाँ से नहीं दिखती, और ये पूरा वेंटिलेशन एरिया है, यहाँ पे मुमताज रहती थी। तो ये देखिए पूरा, यानी कि हर उसमें एक पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जो होता था, पहले विंडोज़ ज़्यादा होती थी वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि फ़ैन भी जो होते थे वो पूरे कपड़े के वैसे फ़ैन होते थे जिनमें दासियाँ रखी जाती थी फ़ैन करने के लिए, और अभी ये पूरा वेंटिलेशन की और विंडो मैक्सिमम होती थी। तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हो, तो मैंने आपको क्रॉस में भी दिखाया, फ्रंट से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दो तीन पार्ट में है, और जैसे भी ये पूरा कर्टन हो रहते थे पीछे की तरफ, ये अंदर की तरफ रहती थी, और दिए और मोमबत्तियाँ ज़्यादा जलाई जाती थी, उनका यूज़ होता था, मशालों का यूज़ होता था, तो लाइटिंग ऐसे ही मिलती थी पहले, क्योंकि लाइटिंग नहीं थी, तो बहुत ही अच्छा। और वेंटिलेशन के लिए हर उसमें एक विंडो मिल जाती है, और जो कि एक ठंडी ठंडी हवा वहाँ से आती थी। अब हम ये मुमताज़ महल से चलेंगे अपने रंग महल की तरफ। दोस्तों ये मेरे सामने जो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है रंग महल, अब हम चल रहे हैं रंग महल की ओर। तो चलिए, क्योंकि रंग महल में देखिए ये सामने जो मैंने अभी आपको दिखाया था फाउंटेन एरिया, तो ये सामने फाउंटेन चलते थे, ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ पे पूरा डांस नृत्य चलता था और आराम से इन्जॉय करते थे यहाँ पे, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया रंग महल। ये देखिए अभी दोस्तों ये वापस से मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ रंग महल, तो ये देखिए ये है रंग महल का एरिया काफ़ी, और ये बीच में लगे हुए हैं फाउंटेन। ये देखिए कितना बढ़िया नक्काशी था, और ये पूरी विंडो है सामने से जो भी है हवा आती थी, ये सब भी ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए यार ये नक्काशी और ये सब ख़त्म हो चुका है, अभी हम रंग महल को ही आपको दिखा रहे हैं। छः भागों में विभाजित है, छः कक्ष थे ये जो है, ये आपको एक कक्ष दिखा रहे हैं ऐसे, इसमें छः कक्ष हैं, ये एक एक कक्ष हैं, ठीक है ना। तो अब ये बस बहुत पुराना हो गया है, सब झड़ रहा है टूट रहा है, बट इसको फिर भी संभाला हुआ है। लोगों से यार आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका जो इधर उधर चलते हैं चढ़ते हैं वो ना चढ़ें, जहाँ पे भी आपको परमिशन हो जाने की प्लीज़ वहाँ जाएं, क्योंकि ये धरोहर हमारी इंडिया की मेन धरोहर है, और इसको संभाल के रखना हमारा एक कर्तव्य है। अभी मैंने आज भी यहाँ पे देखा कि एक गार्ड सबको मना कर रहा था, पर लोग इधर उधर चढ़ रहे थे, यहाँ थोड़ा सा उसका पेंट भी उतर गया, थोड़ा सा मसाला गिर गया, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और इसकी धरोहर की सुंदरता को बनाए रखें। तो ये देखिए हम वो साइड से दिखाते हैं, ऐसे दो तीन कक्ष आपको दिखा सकेंगे, तो मैं आपको कक्ष दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको तीन कक्ष दिख रहे हैं। अब चलते हैं हम अपनी आगे और दूसरे महलों की तरफ। तो ये देखिए सामने दो महल और हैं, फिर साथ में मोती मस्जिद। तो ये देखिए यार ये है सामने खास महल। तो ये देखिए यार बहुत ही बढ़िया एक काम हुआ हुआ था इस पर, जो कि अब सब ख़त्म हो गए और बहुत पुराना हो गया, क्योंकि 1600 ईस्वी का ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हो दरारें आ रही हैं ऊपर, क्रैक आ गए हैं, रिपेयरिंग समय समय पे होता है, बट वो यार जो ओरिजिनलिटी है वो धीरे धीरे इसकी ख़त्म भी हो रही है, बट फिर भी एक हमारी धरोहर है जो हमारे साथ संभली हुई है। तो चलिए बनी रहिएगा, खास महल के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। So talking about Khas Mahal, this was the emperor's private palace. Animal fights such as between lions and elephants were organized below this palace for the entertainment of royals. The palace consists of three parts. The set of three rooms facing the Diwan-e-Khas was called Tasbih Khana, chamber of telling heads, and was used for the emperor's private worship. The three rooms behind it were known as the
ख्वाब गा टू इट साउथ अलॉन्ग हॉल विद इट्स पेंटेड वॉल्स एंड सीलिंग्स एंड अ प्रोफेटेड स्क्रीन ऑन द वेस्ट वॉज नोन आइदर एज तोश खाना और बैठक। तो जो आपने खास महल देखा, ये खास महल बादशाह का अपना निजी महल था। इस महल के तीन भाग हैं, जैसा कि अभी हमने इंग्लिश में भी आपको बताया। दीवान खास की तरफ है तस्बीह खाना, जो कि प्रार्थना यानी प्रेयर रूम था और के रूप में जाना जाता है, और इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत करने के लिए ही किया जाता था। तस्बीह खाना जो कि है अभी मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है, अभी हम उधर भी आपको लेके चलेंगे। और तस्बीह खाना के पीछे के तीन कमरे बादशाह के शयन कक्ष के रूप में, यानी शयन कक्ष मतलब होता है कि जो वहाँ पर वो आराम फरमाता था या सोता था, शयन कक्ष, ठीक है, जो ख्वाबगाह के रूप में जाने जाते हैं। ख्वाबगाह होता है कि जो आप सपने अपने जो आप लेते हैं, सपनों को हम लोग बोलते हैं, जो आपके बिग ड्रीम्स हैं, तो वो आपके ड्रीम्स रूम थे उसके। तो ड्रीम्स रूम में वो अपना जब भी सोता था, बड़े बड़े ड्रीम्स लेता था, है ना, और तभी उसने पूरे भारत पे भी कब्जा किया था। तो ठीक है, बट भारत उससे भी छूट गया। तो अब ये ख्वाबगाह है, ख्वाबगाह को हमने आपको दिखा दिया है। तो अब ये तोशखाना या बैठक के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और फिर हम आपको आगे और दिखाते हैं उसके महल्स, दीवान खास, जो कि पूरा अच्छे से फैला हुआ है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया नक्काशी हुई हुई है इसके अंदर। और ये देखिए दीवान खास, और हर जगह पे यार एयर का तो पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है, ये एयर्स की पूरी ध्यान रखते हैं। और पूरी हर तरह विंडो है, और ये भी कम से कम 5 से 6 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं इसको। ये देखिए यार, दीवाने खास कितना बढ़िया, इस पर पहले वो कलाकृतियाँ बनाई जाती थी और पूरा इसको नक्काशियाँ की जाती थी इन महलों में, तो बड़ी नक्काशियों से बड़ा पॉपुलर होते थे। और ये देखिए सामने बिल्कुल, है ना, पीछे पूरा जमुना दिखती थी, अब तो जमुना जी बहुत सिमट गई है, पीछे चली गई है। तो है ना, अब हम देखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो ये दोस्तों ये है देखिए हमाम, हमाम जो कि यहाँ पे जितने भी ये शाही लोग थे यहाँ पे नहाया करते थे। ये तीन भागों में विभाजित है। ये देखिए, ये पहला गेट ये है, फिर ये सेकंड, और इसके उधर जो है थर्ड, जो कि जमुना के किनारे था, और यहाँ पे श्रृंगार वगैरह भी करती थी जितनी भी रानियाँ वगैरह थी, और यहाँ नहाया जाता था क्योंकि जमुना के यहाँ से ही सीधा पानी आता था। तो पूरा इधर नहाए धोते थे, और जितने भी शाही बच्चे और वो सब राजकुमार थे वो इस पार्ट में नहाया करते थे, और ये बीच में पूरा पानी बहता था, और साइड में भी अंदर नहाने की पूरी व्यवस्था थी। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था, और ये इबादत करने के लिए उसको शयन कक्ष से कुछ ही दूर चलना पड़ता था, इसलिए उसने बहुत ही पास ही बनाई थी। इस मस्जिद का उपयोग सिर्फ शाही घराने की महिलाएँ और खुद वो करते थे, क्योंकि उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते से यहाँ पहुँचा करती थी। यह मस्जिद एक ऊँचे चबूते पर बनाई गई है, बट अभी वो चबूतरा ज़्यादा ऊंचा नहीं है, अब सब लेवल बराबर हो चुका है, और थोड़ा सा इन्होंने अब इसको बनाया हुआ है, वो हम दिखाते हैं अभी आपको। और जो ये मस्जिद के ऊंचे चबूतरे बनाए गए हैं, इसमें प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा पे एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है, जो कि तांबे के पत्थर से मढ़ा हुआ है। और मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊँची दीवारों से घिरा हुआ था, यद्यपि इसका बाहरी भाग लाल बलुए पत्थर के आवरण से युक्त है। संगमरमर की पट्टियाँ से अलंकृत मुसल्लों, नमाज अदा करने के लिए प्रयुक्त छोटे कालीन का प्रतिरूप से सुसज्जित, यानी कि उसको बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया, और ये आंगन से ऊंचे स्थान पर है। और मुख्य कक्ष के ऊपर तीन गोलाकार गुंबद भी हैं, जो कि आपने भी देखे, और मैं एक बार और दिखाता हूँ। इबादत से पूर्व हाथ पैर धोने का होज अंदर स्थित है। चबूतरा जो था वो चबूतरा ये ऊँचा बनाया गया, जो भी है ये इतने ऊंचाई के ऊपर बनी हुई है मस्जिद, इतनी हाइट पे चढ़ने के बाद। और अंदर अभी ये बंद कर दिया गया है गेट, अभी हम फ्रंट गेट से भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए मस्जिद का मेन गेट है, ये इस गेट से एंट्री होती थी। ये चबूतरा जो अभी चबूतरे का जिक्र किया गया था, ये उतना ऊंचा है। तांबा पूरा काला हो गया, ये गेट पूरा काला हो चुका है। तो अंदर हौज भी है, अभी ये पूरा बंद कर दिया गया इस मस्जिद को इबादत के लिए, अभी किसी के लिए खुद के नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे भी, कोई यहाँ से सही से बता नहीं रहा था। तो ठीक है, अभी आपने मस्जिद देखी।
ये देखिए ये हमाम का बैक साइड अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ये पूरा पानी का हो जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ से ये पानी आता था और जो कि पूरे किले में पानी जाता था नहर बहीशत जिसे कहा जाता है यहाँ से, और यहाँ पे बंदों को रखा भी जाता था कुछ वो होते थे काम के लिए। और ये देखिए पूरा ये पानी इसके जरिए होते हुए ये पहले हमाम और हमाम से आगे पानी जाता था। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी। अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलें। तो अब चल रहे हैं यार बाहर की तरफ। अभी आपको मैंने पूरा दिखा दिया है लाल किला जितना मैं दिखा सकता था। मुझे यहाँ पे अभी 3 से 4 घंटे हो गए हैं वीडियो बनाते हुए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं वापस मीना बाजार से होते हुए बाहर की ओर, और फिर बने रहिएगा नेक्स्ट दिल्ली दर्शन के लिए। अगर आप कोई भी जगह देखना चाहते हैं दिल्ली की हमारे साथ, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन सा जगह आप हमारे साथ देखना चाहते हैं, तो मैं आपको उस जगह को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वहाँ पे कैमरा अलाउड है तो मैं आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाऊँगा। तो चलिए बने रहिएगा आगे के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे मल्होत्रा जी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।